नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ट्रिपल सी की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आज हम ट्रिपल सी के 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर लें, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना सही होता है। यहां पर मैं ट्रू एंड फॉल्स में सभी क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो पहले क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है, मोबाइल में प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना सही होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, जब भी हम अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसको प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करना होता है और ये एक सुरक्षित माध्यम होता है। अगर हम किसी अननोन सोर्स से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वायरस होने के चांसेस होते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, बिजनेस संबंधी कार्य में सबसे अधिक उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यहां पर हमें बताना है, बिजनेस संबंधी कार्य में सबसे अधिक उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का किया जाता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा, बिजनेस संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वहां पर हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, प्रक्रिया प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। यहां पर हमें बताना है, प्रोसेस मैनेजमेंट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा, जो भी प्रोसेसिंग मैनेजर होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है जो भी, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट प्रिंट करते समय पेज मार्जिन सेट नहीं किया जा सकता। यहां पर मैं बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर जब हम स्प्रेडशीट को प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट कराते समय हम पेज मार्जिन को सेट नहीं कर सकते, ये हमें आंसर बताना है। तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पेज मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं, जब हम किसी भी स्प्रेड शीट को प्रिंट कराते हैं तो वहां पर प्रिंट कराते समय पेज मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं। तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, FDM का पूरा नाम फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग होता है। यहां पर हमसे FDM की फुल फॉर्म पूछी गई है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, ट्रू एंड फॉल्स में इसका जवाब देना है। FDM का पूरा नाम फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग होता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा, जो FDM का फुल फॉर्म होता है वो फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग होता है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लैन मैन से अधिक तेज है। तो एकदम सही जवाब है, क्योंकि लैन है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है और ये कम जगह के लिए यूज किया जाता है, इसलिए ये सबसे फास्ट होता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा, मैन है वो आपका दो शहर को जोड़ने के लिए किया जाता है उसका यूज, तो लैन से थोड़ा कम फास्ट होता है। तो सही आंसर इसका ट्रू होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट किए हुए चार्ट को 3D रूप में देख सकते हैं। तो एकदम सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट किए हुए चार्ट को हम 3D रूप में देख सकते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उपयोगी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उपयोगी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, ट्रू एंड फॉल्स में हमें बताना है। तो एकदम सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो एक उपयोगी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पर हमें बताना है कि क्या लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिल्कुल सही, ट्रू इसका राइट आंसर होगा, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर के बैकग्राउंड को बदला जा सकता है। कंप्यूटर का बैकग्राउंड यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप होता है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? तो एकदम बिल्कुल सही जवाब है, कंप्यूटर के बैकग्राउंड को हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, स्प्रेड शीट प्रोग्राम में छुपाई गई तो उसी सीट में रहती है। यहां पर हमें बता रहा है, स्प्रेड शीट प्रोग्राम में छुपाई गई तो उसी में रहती है, यानी कि जब हम किसी स्प्रेड शीट को हाइड कर देते हैं तो वो उसी में रहती है। यहां पर हमें क्वेश्चन का जवाब देना है, तो ट्रू एकदम राइट आंसर है इसका, कि जब भी हम किसी स्प्रेड शीट को हाइड करते हैं तो वो वही रहती है, हाइड हो जाती है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, डिजी लॉकर एक पेड प्रोग्राम है। देखिए, हम सभी जानते हैं डिजी लॉकर के द्वारा हम अपने जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह है वो उनको ऑनलाइन रख सकते हैं। तो ये एकदम फ्री होता है, ये पेड प्रोग्राम नहीं है। तो इसके लिए हमारा फॉल्स जो आंसर है वो सही आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, फेसबुक पर झूठी खबर नहीं फैलाई जा सकती। तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि फेसबुक पर झूठी खबर फैलाई जा सकती है, जो कि आए दिन ये सब होता रहता है। जो झूठी खबर होती है वो सबसे ज्यादा फेसबुक पे फैलाई जाती है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, ऑनलाइन चैटिंग के लिए दोनों का ऑनलाइन होना जरूरी होता है। देखिए, जब हम ऑनलाइन रहते हैं, जब किसी से हम चैट करते हैं, तो सामने वाले का भी वहां पर ऑनलाइन रहना जरूरी है, तभी हम चैट को कर पाते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। यहां पर मैं IMF का पूरा नाम पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन में उसकी फुल फॉर्म दी हुई है, ट्रू एंड फॉल्स में इसका जवाब देना है। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो ट्रू एकदम राइट आंसर है इसका, यानी कि IMF की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होती है।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो ट्रू एकदम राइट आंसर होगा, आरटीजीएस की जो फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, डेस्कटॉप पर छोटी तस्वीर को आइकन कहा जाता है। तो एकदम सही है, क्योंकि डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी तस्वीरें होती हैं उनको हम आइकन बोलते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस नाइन शॉर्टकट कुंजी द्वारा ब्राउजर में खुले हुए सबसे अंतिम टाइम पर जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया है कि अगर हमारे ब्राउजर में कोई वेबसाइट खुली होगी तो उसके लास्ट पेज पे हमें बॉटम पोजीशन पे हमें पहुंचना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस नाइन यूज करते हैं। तो एकदम सही जवाब है, यानी ट्रू इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस नाइन के द्वारा हम पेज के सबसे बॉटम पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो एकदम सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा, F7 के द्वारा हम स्पेलिंग चेक ऑप्शन को यूज कर पाते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर होता है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यहां पर मैं URL की जो फुल फॉर्म है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दी हुई है, हमें ट्रू एंड फॉल्स में इसका जवाब देना है। तो एकदम सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा, URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, इंस्टाग्राम पर मौजूद दूसरों के फोटो सेव किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल किए जा सकते हैं, ट्रू इसका राइट आंसर होगा, इंस्टाग्राम पे हम दूसरों की फोटो सेव कर सकते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। यहां पर हमें GUI की फुल फॉर्म दी हुई है, ट्रू एंड फॉल्स में इसका जवाब देना है। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि GUI की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम 3000% होता है। बिल्कुल ट्रू आंसर है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंदर हम 3000% तक जूम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्तियों की ईमेल आईडी एक समान हो सकती है। तो देखिए दो व्यक्तियों की जो ईमेल आईडी है वो समान बिल्कुल नहीं हो सकती, और ये जो ईमेल आईडी होती है वो यूनिक होती है। तो इस हिसाब से फॉल्स जो इसका आंसर है वो सही आंसर है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, जो ट्विटर होता है वो माइक्रो ब्लॉगिंग के अंतर्गत आता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा।
अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कार्यान्वित प्रोग्राम टास्क कहलाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। जो भी कार्यान्वित प्रोग्राम होता है उसको हम टास्क बोलते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, हैकर एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर होते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है, हैकर जो होते हैं वो एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर होते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, क्लिप एक सिंगल मीडिया फाइल हो सकती है जिसे आर्ट, साउंड, एनिमेशन या मूवीज में शामिल किया जा सकता है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, क्लिप एक सिंगल मीडिया फाइल हो सकती है जिससे आर्ट, साउंड, एनिमेशन या मूवी शामिल की जा सकती है। तो एकदम सही जवाब है, क्योंकि क्लिप में हम मीडिया, आर्ट, साउंड, एनिमेशन और मूवी शामिल कर सकते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, कॉन्टेस्ट को नाम देने के लिए क्रिएट नेम बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, माइकल एंजिलियो एक प्रकार का वायरस है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा, माइकल एंजिलियो एक एक प्रकार का वायरस है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन सेवर मूल रूप से मॉनिटर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा, स्क्रीन सेवर है जो मॉनिटर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज टैग कोण कोष्टक से घिरे होते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ट्रू इसका राइट आंसर होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सॉरी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML की जो टैग होते हैं वो आपके सराउंडेड बाई एंगल ब्रैकेट यानी कि जो हमारे एंगल ब्रैकेट होते हैं इस तरह से उनके बीच में घिरे होते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम को माउस के उपयोग से संचालित किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जो हमारा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें हम माउस का यूज कर पाते हैं और माउस का यूज करके हम कुछ भी उसमें काम कर सकते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, नेट बैंकिंग के उपयोग द्वारा क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान किया जा सकता है।
तो बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नेट बैंकिंग के द्वारा हम क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान कर सकते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, विंडोज 10 में पेरेंट्स कंट्रोल और फैमिली सेफ्टी नामक फीचर मौजूद हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर है, विंडोज 10 के अंदर पेरेंट्स कंट्रोल और फैमिली सेफ्टी नामक फीचर मौजूद होते हैं, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, किसी कंप्यूटर को हैक करना दंडनीय अपराध है। तो हम सभी जानते हैं कि किसी कंप्यूटर को हैक करना एक दंडनीय अपराध है, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिनक्स में CHOWN कमांड का उपयोग प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं या समूह के स्वामित्व को बदलने में किया जाता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, यूएसएसडी और आईएमपीएस दोनों एक समान कार्य करते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा, यूएसएसडी और आईएमपीएस दोनों एक समान कार्य करते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, जीमेल में मौजूद स्टार ऑप्शन हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण ईमेल को चिन्हित करने की अनुमति देता है ताकि हम उसे बाद में आसानी से देख सकें। तो बिल्कुल सही जवाब है, एकदम ट्रू इसका राइट आंसर होगा। जीमेल के अंदर जो स्टार ऑप्शन दिया होता है, उस स्टार ऑप्शन को यूज करके हम उस ईमेल को अपनी एक अलग कैटेगरी में पहुंचा सकते हैं ताकि उसको हम बाद में पढ़ सकें। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, ईमेल फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत आता है। तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ईमेल जो होता है वो हाफ डुप्लेक्स के अंदर आता है, ये फुल डुप्लेक्स के अंतर्गत नहीं आता है, तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, विंडोज 10 में मोबाइल डिवाइस प्रबंधन सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विंडोज 10 के अंदर मोबाइल के हम एप्लीकेशन को यूज कर पाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि विंडोज 10 में मोबाइल डिवाइस प्रबंधन सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ये सुविधा उपलब्ध होती है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो फॉल्स होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, हम अपने PF पासबुक को ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। पीएफ पासबुक को हम ऑनलाइन तरीके से देख सकते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, क्रेडिट कार्ड के उपयोग से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया जा सकता है। तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, इसलिए फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में
मैनुअल रूप से फॉन्ट आकार 100 लिखा जा सकता है, क्योंकि फॉन्ट आकार लिस्ट अंतिम फॉन्ट आकार 96 होता है। देखिए ट्रू इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस के राइटर के अंदर हम मैनुअल तरीके से फॉन्ट का साइज है वो 100 लिख सकते हैं, लेकिन हमारी जो लिस्ट में फॉन्ट का जो मैक्सिमम साइज दिया होता है वो 96 होता है। अगर हम मैनुअली लिखना चाहें तो 100 तक उसको लिख सकते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, प्रस्तुति के दौरान प्रस्तुति में संशोधन और संपादन किया जा सकता है। प्रस्तुति यहां पे प्रेजेंटेशन का मतलब है, प्रस्तुति को हम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन बोलते हैं। यहां पर पूछा गया है प्रस्तुति के दौरान यानी प्रेजेंटेशन के दौरान जब कोई प्रेजेंटेशन चल रही होती है तो उसमें हम संशोधन और संपादन यानी कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते, इसलिए फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। जब हम किसी प्रेजेंटेशन को रन कराते हैं तो रन कराते टाइम उसमें हम कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, MPEG का पूरा नाम मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है। तो बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। MPEG का जो फुल फॉर्म होता है वो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, विंडोज 10 में अलार्म का फीचर दिया गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। विंडोज 10 के अंदर अलार्म का फीचर है वो दिया हुआ होता है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, यूनिक्स पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बिल्कुल सही है, यूनिक्स क्या होता है, एक पोर्टेबल सिस्टम होता है, यूनिक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, स्विफ्ट का पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यहां पर मैं स्विफ्ट की फुल फॉर्म दी हुई है, ट्रू एंड फॉल्स में इसका जवाब देना है कि जो है तो फुल फॉर्म दी हुई है वो सही है या गलत है, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि स्विफ्ट की जो फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होती है, तो इस हिसाब से ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, ईमेल के पासवर्ड को बदला जा सकता है। तो देखिए ईमेल के पासवर्ड को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो इस हिसाब से ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, एक साथ एक से अधिक लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। यहां पर हमें बताना है कि एक साथ हम एक से अधिक लोगों को ईमेल कर सकते हैं। तो एक साथ हम एक से अधिक लोगों को ईमेल कर सकते हैं, एकदम सही जवाब है, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम जूम 100% होता है।
देखिए लिब्रे ऑफिस के अंदर जो अधिकतम जूम है वो 100% नहीं होता है, ये आपका मिडिल पॉइंट होता है, तो इस हिसाब से फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस में रीसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब सिर्फ हाल ही में खोले गए डॉक्यूमेंट होता है। तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, आधुनिक कंप्यूटर संपादन डिजाइन और फिल्म निर्माण के लिए एक प्रणाली प्रदान करने की क्षमता रखता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई 65,535 बाइट होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के किसी एक कॉलम के सेलों की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है। तो यहां पर हमसे एक तरह से पूछा गया है कि कैल्क में जो कैल्क स्प्रेडशीट में जो कॉलम होते हैं उस कॉलम की जो सेल होती हैं, क्या उन सेल की अलग अलग चौड़ाई रख सकते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि जो कॉलम की चौड़ाई होगी वही सभी सेल की चौड़ाई होगी, इसलिए इसका फॉल्स राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट की टेबल को टेक्स्ट में नहीं बदला जा सकता। बिल्कुल हम बदल सकते हैं, इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर हम डॉक्यूमेंट की जो टेबल होती है उसको टेक्स्ट में बदल सकते हैं, तो इस हिसाब से उसका जो फॉल्स आंसर है वो राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, बार कोड में लाइंस होते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा, बारकोड के अंदर लाइन मौजूद होते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, उमंग में आधार कार्ड नंबर होना आवश्यक है। देखिए उमंग एक एप्लीकेशन होता है और इसमें इसको यूज करने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी नहीं है, तो इस हिसाब से फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन है, यूआरएल का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है दोबारा से, तो एकदम सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस में अनलिमिटेड पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं।
तो देखिए लिब्रे ऑफिस में हम लिमिटेड तरीके से ही यानी कि रो को जोड़ सकते हैं, तो इस हिसाब से फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सुधार किया जा सकता है, यहां पर हमें बता रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान के बाद कुल व्यय ईएमआई होता है, देखिए क्रेडिट कार्ड से जो भी हम बिल भुगतान करते हैं तो वो एक तरह से ईएमआई में नहीं होता, वो एक साथ पेमेंट करना होता है, तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आउटपुट उपकरण के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सही आंसर है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, विंडोज 95 यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पर हमें बताना है विंडोज 95 यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि विंडोज 95 एक यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, आउटबॉक्स और ड्राफ्ट दोनों एक समान है, तो आउटबॉक्स और ड्राफ्ट दोनों एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि तो आउटबॉक्स में जो भी हम मेल वगैरह सेंड करते हैं वो स्टोर होते हैं, और ड्राफ्ट के अंदर जो भी हमारे अधूरे मेल होते हैं वो ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाते हैं, तो दोनों ही अलग अलग है, इसलिए फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, किसी जीमेल का यूजर नेम बदलना संभव है, बिल्कुल नहीं, किसी जीमेल का हम यूजर नेम बाद में हम चेंज नहीं कर सकते, तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू किए बिना प्रिंट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, इस हिसाब से इसका फॉल्स जो आंसर है वो राइट आंसर होगा, क्योंकि लिब्रे ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू किए बिना ही हम प्रिंट कर सकते हैं, तो इस हिसाब से फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिनक्स एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि लिनक्स है वो एक प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, FTP का पूरा नाम
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है? तो बिल्कुल सही है, जो एफटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, TCP/IP इंटरनेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है। यहां पर हमें बताना है TCP/IP इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। TCP/IP है वो इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में संपूर्ण शीट को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है? तो यहां पर हमें बताना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर पूरी शीट को हम एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में दो प्रेजेंटेशन खुले हुए हैं और पहले वाले प्रेजेंटेशन पर कार्य हो रहा है, तो सेव करने पर दूसरी फाइल भी सेव हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, यहां पर दो फाइलें अलग अलग खुली हैं तो उनको हमें अलग अलग ही सेव करना होता है। तो इस हिसाब से फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एंड्रॉइड एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल, एंड्रॉइड एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, B2C का पूरा नाम बिजनेस टू कंज्यूमर है? तो बिल्कुल, B2C का जो पूरा नाम होता है बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर टू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, वेबकैम का उपयोग विंडोज XP में किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। जो हमारा वेब कैमरा होता है उसका जो प्रयोग है वो हम विंडोज XP के अंदर भी कर सकते हैं, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, निर्देशों के एक सेट को एल्गोरिथम कहा जाता है? बिल्कुल गलत है, निर्देशों के एक सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं, तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, मेघदूत क्लाउड कंप्यूटिंग की उपलब्धता है? बिल्कुल सही है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल लिनक्स में कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का जो इस्तेमाल है वो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही कर पाते हैं, तो इसका जो हमें यूज है वो लिनक्स के अंदर नहीं कर सकते, तो इस हिसाब से फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, SED का पूरा नाम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है?
बिल्कुल, SAD का जो पूरा नाम है वो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन होता है, तो इस हिसाब से ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, HTML एक स्क्रिप्टिंग भाषा है। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, तो इस हिसाब से इसका जो फॉल्स आंसर है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, ब्लॉकचेन में जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है। तो बिल्कुल ट्रू इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन में जुड़े हुए सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है, एकदम राइट आंसर है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एंटी स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर स्पूफिंग से बचा जा सकता है। तो बिल्कुल एंटी स्पूफिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके हम स्पूफिंग से बच सकते हैं। ट्रू इसका राइट आंसर है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एनकोडेड है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP का उपयोग करके स्थानांतरित किया जाता है। तो बिल्कुल नहीं, इस हिसाब से इसका फॉल्स जो आंसर है वो राइट आंसर होगा। FTP का जो उपयोग है वो केवल हम फाइल ट्रांसफर के लिए करते हैं, यानी इंटरनेट में जितने भी हम फाइल ट्रांसफर कर पाते हैं वहां पर FTP काम करता है, इसकी जो फुल फॉर्म मैंने बताई थी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, IMPS पोर्ट 143 का उपयोग करता है, लेकिन SSL TLS इनक्रिप्टेड IMPS पोर्ट 993 का प्रयोग करता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लैन में USB का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा, लैन के अंदर हम USB का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर एक प्राइवेट क्लाउड है। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट एजर एक प्राइवेट क्लाउड है, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, किसी फोल्डर के नेम में सिर्फ कैपिटल या स्मॉल करेक्टर ही लिखे जाते हैं। बिल्कुल नहीं, किसी फोल्डर के नेम में हम कैपिटल
कैपिटल या स्मॉल लेटर दोनों लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से फॉल्स जो इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, फाइल सिस्टम में NTFS का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। तो बिल्कुल NTFS का जो पूरा नाम होता है वो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, RTGS और NEFT 24x7 कार्य करते हैं। तो फॉल्स इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, मोबाइल वॉलेट को ई वॉलेट कहा जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। मोबाइल वॉलेट को हम ई वॉलेट के नाम से भी जानते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, क्या डायरेक्टरी को फोल्डर के नाम से जानते हैं? बिल्कुल, क्योंकि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरी को फोल्डर बोलते हैं, या फिर फोल्डर को एक तरह से हम डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, लिब्रे ऑफिस में दिनांक का DDMM बाई बाई फॉर्मेट होता है। तो ऐसा नहीं होता है, फॉल्स इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो बिल्कुल, हम क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, और इसमें हम ऑप्शन को घटा बढ़ा सकते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, एशियन टाइपोग्राफी पेज लिब्रे ऑफिस में भी अवेलेबल है। तो बिल्कुल अवेलेबल है, ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, बैंकों द्वारा जारी 6 अंकों का ओटीपी केवल एक बार प्रयोग में लिया जाता है। तो हम सभी जानते हैं जो ओटीपी का जो प्रयोग है वो एक बार के लिए ही किया जाता है। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। अगला यहां पर क्वेश्चन दिया है, व्हाट्सएप में प्रसारण सूची यानी कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई जा सकती है। व्हाट्सएप में प्रसारण सूची यानी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई जा सकती है। यहां पर हमें ट्रू एंड फॉल्स में इसका जवाब देना है। तो बिल्कुल, व्हाट्सएप के अंदर हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट को बना सकते हैं। तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा।
अगला यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चालू खाते कंपनी और फर्म के नाम पर खोले जाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, जो चालू खाते हैं यानी कि करंट अकाउंट, वो कंपनी या फिर फर्म के नाम से खोले जाते हैं, तो ट्रू इसका राइट आंसर होगा। तो ये 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, इस क्लास को लाइक जरूर करें, जो लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।